डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमे और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमिजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NTEUGCNET लॉजिकल रीजनिंग के अंदर मूड एंड फिगर के बारे में। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है और ये हमारा एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई टॉपिक जुड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी टर्म्स हैं, उन सभी टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों मूड एंड फिगर को हम अब समझते हैं अच्छे से। एक श्रेणीबद्ध युक्ति वाक्य सिलोजिज्म के अंदर क्या होना जरूरी है, उसकी क्या योग्यता होती है। देखिए नंबर एक के अंदर दोस्तों एक तर्क के अंदर दो कथन यानी कि दो प्रीमाइसिस होती है और एक कंक्लूजन होता है। और प्रीमाइसिस क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी टर्म्स के बारे में बात की है। देखिए प्रीमाइसिस ये होती है जो हमारे कथन जो होते हैं जो एक दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एक कथन दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसके अंदर जो युक्ति वाक्य होता है इसके अंदर क्या होता है, दो कथन होते हैं एक निष्कर्ष होता है। दो कथन कौन से, P1 प्रीमाइसिस 1 जैसे कि सभी चोर अच्छे होते हैं, और P2 क्या कह रहा है, राजू एक चोर है। ये दोनों के दोनों हमारी क्या है दोस्तों, प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस 1 और 2। और इसके द्वारा हमारा क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, अतः राजू अच्छा है। देखिए P1 के अंदर क्या कहा गया कि सभी चोर अच्छे होते हैं और राजू क्या है, एक चोर है, तो इसलिए क्या हुआ, राजू एक अच्छा इंसान हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल गया। आगे हम बात करते हैं कि तीन कथन स्पष्ट प्रस्ताव में होते हैं, यानी कि वो स्पष्ट एक दूसरे के बारे में बताते हैं। वो स्पष्ट हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, यानी कि रॉन्ग या राइट के बारे में बताएंगे वो। और ये नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे ये लिखते कि दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो हमारी प्रीमाइसिस नहीं हुई, वो क्या है कि एक सही सेंटेंस होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें तीन अलग अलग शब्द होते हैं, यानी कि तीनों अलग अलग बातें करते हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। प्रत्येक शब्द का प्रयोग दो बार किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो शब्द है उसका दो बार यूज़ किया जा सकता है। जैसे राजू की हम बात कर रहे हैं, ये देखिए चोर है, चोर यहाँ भी शब्द यूज हो गया और यहाँ भी यूज हो गया, राजू यहाँ भी हो गया और यहाँ भी हो गया, तो इस तरह से इसके अंदर दो बार यूज किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंदर क्या होता है, को इसको समझने के लिए और हम चीज़ें करते हैं। प्रमुख शब्द इसके अंदर जो टर्म्स हैं, तीन टर्म हैं हमारे, उन तीनों टर्म को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए नंबर एक आता है प्रमुख टर्म, उसको पी से हम डिनोट करते हैं, प्रेडिकेट भी उसको कहते हैं। निष्कर्ष की भविष्यवाणी करता है, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रमुख टर्म, और इंग्लिश में मेजर टर्म कहते हैं, और इसको इंग्लिश में पी से डिनोट करते हैं, और प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन इसको बोला जाता है। इनके बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अभी आपको एक एग्जाम्पल ही करवाने वाला हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। और उसके बाद में लघु अवधि यानी कि लघु टर्म, इसको ऐसे से डिनोट करते हैं, यानी कि माइनर टर्म होती है, छोटी टर्म होती है, ये होता है निष्कर्ष का विषय होता है। और सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, ये क्या होता है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंक्लूजन का सब्जेक्ट होता है, और ये प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन होता है। अब देखिए अब आगे और मैं दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर है मध्य अवधि, मध्य अवधि मिडिल टर्म बोलते हैं इसको, टर्म दैट अकर इन बोथ प्रीमाइसिस, यानी कि जो दोनों के अंदर हो उसे हम क्या कहेंगे, मिडिल टर्म कहेंगे। अब देखिए अब आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल मैमल्स आर क्रिएचर्स दैट हैव हेयर,
नंबर एक ये हमारी प्रीमाइसिस होगी, ठीक है। उसके बाद में ऑल डॉग्स आर मैमल्स, यानी कि मैमल्स क्या होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, वो क्या हो गया स्तनधारी, यानी कि सभी स्तनधारी जीव है जिनके बाल होते हैं, ये हमने यहाँ पे चीज पढ़ ली। और नंबर तीन पे क्या है, देयर फॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर, यानी कि सभी स्तनधारी जीव है जिनके बाल होते हैं, और सभी कुत्ते क्या है वो स्तनधारी है। इसका कंक्लूजन क्या निकला हमारे पास, सभी कुत्ते ऐसे प्राणी हैं जिनके बाल होते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो तीनों टर्म की हमने बात की है ना, वो तीनों टर्म देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी है। अब ये देखिए जो हमारी इसके अंदर ग्रीन है, सॉरी जो ब्लू है, नीली है, वो हमारी मेजर टर्म है। ये देखिए ये हमारी क्या है दोस्तों, क्रिएचर दैट हैव हेयर, ये हमारी क्या है, ये हमारी मेजर टर्म है, ठीक है। ये किसके बारे में बता रही है, ये हमारे सब्जेक्ट के बारे में बता रही है। और इसको हम एक बार फिर से देखते हैं, मेजर टर्म के अंदर क्या होता है, प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। ये क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं मेजर टर्म। और मेजर टर्म इसके अंदर क्या है, क्रिएचर दैट हैव हेयर, यानी कि ये ऐसे जीव है जिनके बाल होते हैं। ये आ गई, ये चीज़ आपको ध्यान में आ गई। और आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास है माइनर टर्म। माइनर टर्म इसके अंदर हम देखते हैं, माइनर टर्म क्या, डॉग्स है, डॉग्स ये हमारी क्या है, माइनर टर्म है। और ये क्या होता है, सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन होता है। ये देखिए सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन ये है हमारा माइनर टर्म है, और ये देखिए माइनर टर्म होगी हमारी डॉग, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। उसके बाद हम बात करते हैं मिडिल टर्म की, बात करते हैं मिडिल टर्म इसके अंदर, ये जो ग्रीन में दिए हैं डार्क ग्रीन के अंदर, ये हमारी क्या है, मिडिल टर्म है, यानी कि जो दोनों के अंदर आ रही है, कॉमन है ये, देखिए मैमल्स मैमल्स इन दोनों के बीच में है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यानी हिंदी में ये स्तनधारी, इसको हम क्या कहेंगे, मिडिल टर्म इसको हम बोलेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप एक बार फिर से देख लेना चाहिए इस वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, ये देखिए डॉग है, डॉग हमारा सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट किसका सब्जेक्ट देखना है, देखिए सब्जेक्ट देखना कंक्लूजन का सब्जेक्ट, कंक्लूजन किस में आया, नंबर थ्री में आया है, देयर फॉर ऑल डॉग्स आर क्रिएचर दैट हैव हेयर। इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर सब्जेक्ट है हमारा डॉग, तो ये हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी माइनर टर्म हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, हमारी माइनर टर्म हो जाएगी। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि हमारी मेजर टर्म कौन सी होगी, कंक्लूजन के अंदर जो हमारी प्रेडिकेट होती है, जो निष्कर्ष की भविष्यवाणी करती है, उसको हम क्या कहेंगे, मेजर टर्म कहेंगे। मेजर टर्म इसके अंदर क्या है, क्रिएचर दैट हैव हेयर, ये हमारी जो ब्लू के अंदर है, ये हमारी क्या हो जाएगी, मेजर टर्म होगी, ठीक है। और जो हमारी मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म वो होगी जो दोनों के अंदर सेम हो, दोनों प्रीमाइसिस के अंदर कॉमन हो, उसको हम कहेंगे मिडिल टर्म कहेंगे। मिडिल टर्म क्या है दोस्तों, मैमल्स है, ये देखिए इसमें मैमल्स इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म हो गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आप हमसे पूछ लेना, मैं आपको फिर से दोबारा से बता दूंगा, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसको एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो एस है, एस माइनर टर्म के लिए यूज़ किया जाता है, और पी जो है वो मेजर टर्म के लिए यूज़ किया जाता है। और आल्सो स्टूड फॉर द सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म, इनको सब्जेक्ट टर्म और प्रेडिकेट टर्म भी बोला जाता है, ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम आगे बात करते हैं कि जो हमारी न्याय युक्ति है वो कितनी तरह की हो सकती है, कितने तरह के क्या टाइप हो सकते हैं उनके। देखिए नंबर एक पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें मध्य पद एम प्रमुख वाक्य पी का उद्देश्य पद यानी कि सब्जेक्ट होता है। अब इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, देखिए ये पहले इन्होंने दिया हुआ है, एम अगर पी है, ठीक है, एम अगर पी है, एस अगर एम है, तो एस इक्वल टू पी होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे M की बात करते हैं, ठीक है, M की बात करते हैं, M यहाँ पे क्या है दोस्तों, M जो है प्रमुख वाक्य P का सब्जेक्ट है, ठीक है, प्रमुख वाक्य क्या है, P, P का यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ पे M, ठीक है। लघु वाक्य S का प्रेडिकेट है, लघु वाक्य S ये है, S का यहाँ पे क्या, ये प्रेडिकेट यहाँ पे दिया हुआ है,
ठीक है। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है इसकी कि पी का तो क्या हो जाएगा, पी का तो हो जाएगा ये सब्जेक्ट, और एस का क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर निकल जाएगा एस इक्वल टू पी। ठीक है, नंबर एक चीज़ आपको समझ में आई। और वैसे ये ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आने की, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए समझना जरूरी है। अब देखिए आगे एक और क्या हो सकती है सिचुएशन इसकी, इसमें मध्य पद एम, एम जो है दोनों आधार वाक्य का प्रेडिकेट हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, पी अगर एम है, ठीक है, पी अगर एम है और एस अगर एम है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एस इक्वल टू पी होगा। अब देखिए ये जो एम है, एम हमारा क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, निर्धारक है, निर्धारक, यानी कि एम को इस साइड में हमने लिखा लिखा है। पी अगर एम है और एस अगर एम है तो एस इक्वल टू पी होगा। तो इस तरह से भी हमारा जो युक्ति है वो ऐसे भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं कि और किस तरह से हमारी युक्ति हो सकती है। इसमें मध्य पद एम दोनों आधार वाक्य का सब्जेक्ट पद होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट था यहाँ पे, ठीक है, एम यहाँ पे क्या था, प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट होगा दोनों का। ये देखिए एम अगर पी है और एम अगर एस है तो भी क्या होगा, एस इक्वल टू पी हो जाएगा। यानी कि ये स्थिति भी हमारी युक्ति के अंदर हो सकती है। और आगे हम बात करते हैं कि एक और स्थिति क्या हो सकती है हमारी युक्ति की। इसमें मध्य पद एम दोनों प्रमुख वाक्य का विधेय, प्रेडिकेट और लघु वाक्य का उद्देश्य सब्जेक्ट होता है। यानी कि ये देखिए इसके अंदर इन्होंने फिर से जो जो सिचुएशन है वो अलग दे दी है, यहाँ पे इनकी स्थिति बदल दी है। देखिए पी अगर एम है, यहाँ पे जो एम है, एम क्या दिया यहाँ पे, प्रेडिकेट दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, प्रेडिकेट दिया है। और इसमें एम अगर एस है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर ये स्थिति बनती है तो भी हमारा एस इक्वल टू पी होगा। तो दोस्तों यहाँ पे चार चीज़ें दिखाई गई है और चारों ही सिचुएशन में एस इक्वल टू पी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा यानी कि पजल करने वाला होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इस वीडियो को दोबारा से देखना ध्यान से, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।